वेल दोस्तों, इस चैनल पे पहली बार हमने जो है टेक न्यूज को लास्ट वीक में डिलीवर किया था आप लोगों की डिमांड की वजह से, एंड उस पर काफी अच्छा प्यार मिला। इसी वजह से इस वीक का भी दोस्तों टेक न्यूज यहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहले बहुत ही भयंकर न्यूज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है चैट जीपीटी की तरफ से। अब इटालियन वॉचडॉग है गैरनेट करके नाम से, जो कि एक एआई कॉम्प्लेंट्स के ऊपर जो ना हमेशा असेसमेंट करते रहते हैं। बेसिकली एआई जो भी हमारे दुनिया में आ रहा है, जो यूरोपियन यूनियन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको पता होगा दोस्तों पूरे दुनिया से जो ना यू का रूल्स जो है ना बहुत ही तगड़ा एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है टेक्नोलॉजी के मामले। तो यहां पे इल्जाम या एलिजिडली बताया जा रहा है कि भी जो चैट जीपीटी है ना, डेटा लीक कर रहा है दोस्तों। यहां पे जो है ना प्राइवेसी का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठाया गया। अब इसको जो है ना कोर्ट के अंदर में भी डाला गया है, एंड यहां पे जो है ना कोर्ट की तरफ से जो है ना 30 डेज का जो ओपन एआई है चैट जीपीटी का, उनको 30 डेज का टाइम दिया गया। इसके अंदर में अपना रिपोर्ट उनको सबमिट करना है, और अगर वो गिल्टी पाते हैं तो वहां पे उनको अपने जो भी ग्लोबल रेवेन्यू है उसका 4% जो है ना एज अ पेनाल्टी पे करना होगा यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट को। भाई साहब देखो, बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि चैट जीपीटी का आज के टाइम में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में मोर देन 30% पॉपुलेशन आज के टाइम में चैट जीपीटी को यूज करते हैं, यानी बिलियंस ऑफ यूजर का डेटा का सवाल है यहाँ पे। बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है दोस्तों, और अगर 4% देखा जाए तो भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे बन जाता है ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू। तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कितना पेनाल्टी अमाउंट देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत ही स्ट्रिक्ट न्यूज है, बट इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं आपको फ्यूचर जो 30 डेज के बाद में जो अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगली खबर हमारे पास आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैलेक्सी एआई की तरफ से, जो कि S24 में रिसेंटली लॉन्च करा गया। एक यूजर का उन्होंने पब्लिकली पोस्ट करा कि उनका, देखो स्टोरी में बताता हूँ क्या, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। तो ये बेसिकली ऑफिस में काम करते रहते हैं और मल्टीपल कॉल्स वगैरह इनको अटेंड करना होता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी कॉल्स वगैरह प्ले होते रहता है बगल में अपना S24 को ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देते हैं। अब इसमें एआई की फीचर से जितने भी कॉन्वर्जेशन हो रहे सभी ट्रांसक्रिप्ट होकर के इनको प्रॉपर तरीके से डिटेल आ रहा है। इनफैक्ट एआई की मदद से जो ना चीजों को समराइज भी कर सकते हैं। बट इनका कहना है कि एक चीज में इनको दिक्कत देखने को मिला, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस जब यूज होता है, मान लो कि आप हिंदी में बात कर रहे हो कुछ लोग, फिर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो उस टाइप की लैंग्वेज में इन्होंने ऑब्जर्व करा कि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रहा है। बट आई एम श्योर कि बाय द टाइम जब फ्यूचर में एआई जैसे डेवलप होते जाएगा ये चीजों को फिक्स कर दिया जाएगा। और इनका कहना है कि ये जितने भी समरी हुआ उसका पूरा समरी बुलेट पॉइंट वगैरह एआई की मदद से निकाल करके जब तक कॉल खत्म होता है चीजों को बस कॉपी पेस्ट करके अपने टीम को ईमेल के द्वारा सर्कुलेट कर देते हैं। यानी एक टाइम पे होता है दोस्तों, एक मीटिंग चला आधे घंटे का, फिर समराइज निकालो आधे घंटा, फिर बुलेट्स वगैरह निकालो, 2-3 घंटे लग जाता होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर ऑफिस में काम करते होंगे इस चीज रिगार्डिंग तो आपको पता होगा, इनफैक्ट मैं करता था तो मुझे इसकी प्रॉब्लम्स पता है। तो आज के टाइम में एआई की मदद से दोस्तों बस 1 मिनट के अंदर में वो काम हो जा रहा है, तो एक यूजर का ही कहना है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। अब व्हाट्सएप में क्या होता है, जो कम्युनिटी टैब्स वगैरह है वहां पे इवेंट्स जो है ना वहां पे पिन कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, जो भी अपकमिंग इवेंट्स रहेगा उसको पिन करा जाएगा। तो ये iOS का लिए ऑलरेडी रोल आउट हो चुका था US मार्केट में। अब WhatsApp का कहना है कि इसको ग्लोबल मार्केट में भी Android यूजर को भी दिया जाएगा। तो आपके WhatsApp में आया है कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट गाइस। और हाँ दोस्तों, आपको अगर ये टेक न्यूज अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि इसको और रेगुलर बेसिस पे मैं डालूं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा टेक न्यूज आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। अगली खबर दोस्तों, Realme 12 Pro Plus का जो है लॉन्च हो चुका है स्नैपड्रैगन 770Z लेटेस्ट वाला प्रोसेसर के साथ में आता है। कैमरा बहुत ही तगड़ी लेवल की चीजें है। वैसे हमने जो है इसके ऊपर टेस्ट वीडियो, बेसिकली कैमरा टेस्टिंग वगैरह सब चीज ऑलरेडी लॉन्च के पहले आप लोगों के लिए बना दिया है, तो चैनल पे जाकर के विजिट करके वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों। वीडियो सैंपल, कैमरा सैंपल, सब चीज को टेस्ट करके हमने वीडियो आपके लिए बनाया, तो जाकर के जरूर देखना उसे दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है एप्पल की तरफ से दोस्तों। आपको अगर एप्पल यूजर हो, iOS वगैरह यूज करते हो, तो यहाँ पे एप्पल पॉडकास्ट का ऑप्शन रहता है। तो अब अपडेट क्या है कि इसमें कि जो लोग भी अपलोड करते हैं अपने पॉडकास्ट को, वहां एआई की मदद से ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट होगा। यानी जो भी चीजें पॉडकास्ट में बोला जाएगा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट यूजर को देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं किस टाइप से इसका जो है इंप्लीमेंटेशन है, यूजर का फीडबैक वगैरह कैसा था। वैसे आपको कैसा लगता है, अगर आप एप्पल यूजर हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट गाइस। और जी हां दोस्तों, एप्पल यानी कि iOS 18 का सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। इनफैक्ट देखा जाए तो इसको
जो है ना एप्पल के हिस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ा अपडेट ये हो सकता है इसके बारे में। अब यहाँ पे iOS में होता क्या है, जो भी आपको एप्स वगैरह अगर इंस्टॉल करना है तो उनके एप स्टोर से ही आज तक में कर पाते होंगे, बट EU यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो है ना एक कानून की तरह उनको बताया गया, एक फटकार इनफैक्ट लगाया एप्पल वालों की, आप क्यों नहीं अलाउ करते हो। इसी के तरह जो है ना हमारे नेक्स्ट iOS 18 का जब अपडेट आएगा तो उसमें दोस्तों साइड लोडिंग अवेलेबल रहेगा, यानी कि आप एप स्टोर छोड़ करके दूसरे ऐप स्टोर्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकोगे और साथ ही में साइड लोड एप्लीकेशन भी कर सकोगे, है ना कमाल का चीज। जिन लोग भाई साहब एंड्रॉइड को मजे मतलब लूट रहे थे, अब iOS में भी वो मजा आने वाला है, तो किन लोगों को भाई एंड्रॉइड iOS के बारे में चीजें पता था, लेट मी नो इन दी कमेंट गाइस। और इंस्टाग्राम के लिए एक बेहद ही नया अपडेट आ चुका है दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट इंस्टाग्राम पे आने वाला है, तो वहां पे जो भी फोटोज वगैरह जब आप पोस्ट करोगे आप उसको एज अ प्राइवेट पोस्ट कर पाओगे, यानी कि आपका अकाउंट पब्लिक हो तब पर भी आप अपने फोटोज प्राइवेट रख सकोगे और वो फोटोज सिर्फ आपको ही दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाएगा, है ना। वैसे कितने लोगों को लगता है कि भाई इंस्टाग्राम पे प्राइवेट फोटो रखना पसंद होगा या अच्छा लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट गाइस। इसी के साथ में आज का आखिरी अपडेट है दोस्तों गूगल की तरफ से, गूगल का AI फोटो सैकिंग अपडेट आने वाला है। इनफैक्ट कुछ यूजर्स को जो है ना iOS में ऑलरेडी इन्होंने टेस्ट करा, अब एंड्रॉइड में भी ये जल्दी से जल्दी पुश होने वाला है, ग्लोबली ये पुश होने वाला है। अब इसमें करता है क्या पता, आप जब अपने फोटोज की गैलरी वगैरह में जाओगे ना वहां पे अब AI स्टैक फोटो का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको जैसा मैं यहां पे दिखा रहा हूं कुछ इस टाइप का जो ना फोटोज वगैरह ऑटोमेटिकली जो ना AI आपके फोटोज को एनालाइज करके कौन सा फोटो किसके साथ में मर्ज करके वहां पे दिखाई देगा, बेसिकली एक क्लीन लुक आपको देगा एंड इजिली आप फोटोज को सर्च कर पाओगे अपने गैलरी वगैरह में। अपडेट में देना भूल गया दोस्तों, फॉजिल जो कि बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है उन्होंने इंडिया में एंड अक्रॉस ग्लोबली इनफैक्ट जो है ना अपना जो स्मार्ट वॉच का बिजनेस को शट डाउन कर दिया है। वैसे 30,000-40,000 के स्मार्ट वॉच रिलीज करते हैं और इनके CEO का कहना है भैया हमसे ना हो पाएगा और इन्होंने फाइनली शट डाउन कर दिया, तो अब से आपको फॉजिल के स्मार्ट वॉचेस नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में। लेट मी नो इन द कमेंट आपको क्या लगता है। तो दोस्तों यही रहा आज का टेक न्यूज, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आप चाहते हो कि ऐसे टेक न्यूज मैं रोजाना या फिर मोर ऑफनली अपडेट करूं पोस्ट करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, हमारे से 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से इसको 50,000 करते हैं और ये सब कर पाएंगे आप लोगों की मदद से, एंड आप लोगों की मदद से ढेरों सारी और भी चीजें होंगी, कमाल कमाल की वीडियोस भी आएंगे, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड I'll catch you in the next one. Till then, bye.